एक स्टॉक जो इतना बड़ा है फिर भी कोई हम्म, जिक्र ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता, किसी के चार्ट्स में कुछ आता नहीं, न लेने का न बेचने का, फंडामेंटल एक्सपर्ट भी चुपचाप रहते हैं। एनी गेसेस, कोई आइडिया लगा सकते किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं? और बड़ा स्टॉक है, ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला। ये देखो मतलब ये हाल है, आठ आठ लोग बैठे हैं स्क्रीन पे, कोई गेस तक नहीं कर पा रहा है कि वो स्टॉक कौन सा हो सकता है। अरे भाई हिंट साहब, हिंट दे दो सर। देश का सबसे बड़ा आईपीओ आया था अभी अभी, भूल गए? या तो पैसा लगा लिया इसलिए भूल गए, या नहीं लगाया इसलिए याद नहीं है। एलआईसी किसी के चार्ट पे कुछ नहीं आता, किसी के फंडामेंटल पे कुछ नहीं आता, गजब है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो काम है जो पूरे देश के इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं एलआईसी में, आईपीओ में लगा लगा कर अलॉटमेंट लेकर, तो कुछ एलआईसी पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। भारी गिरावट के बाद एलआईसी पर अब कई सारे ब्रोकरेजेस बुलिश हो रहे हैं और अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आने लगी। दर्शन कर लीजिए, 2.5% कभी कभार ही बढ़ता है, ये रोज रोज नहीं होता, वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। तो 700 के पार निकलता हुआ एलआईसी, क्यों ब्रोकरेज बुलिश हो रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, बता रहे हैं हमें वरुण। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली इसको हाईलाइट इसके लिए किया गया कि पिछले एक महीने के अंतराल में अगर आप देखेंगे तो चार दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज आया, यानी कि कवरेज इन्होंने शुरुआत की है और अच्छे खासे टारगेट के साथ शुरुआत की। और सबसे बड़ी हाईलाइट इसके साथ ये भी है कि शुरुआत कब की है। आपको याद होगा 13 या 14 जून के आसपास इस कंपनी का जो एंकर लॉक इन था वो खत्म होने वाला था, और एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद दरअसल ये इनिशिएटिंग कवरेज जो है, रिपोर्ट्स जो है शुरुआत की, वो अब ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आना जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले देखिए आज जो रिपोर्ट आई है उसका जिक्र करता हूं। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने कवरेज शुरू किया और 830 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार मार्केट लीडरशिप तो इस कंपनी की है ही, नॉन पार प्रोडक्ट्स पे जो है कंपनी फोकस कर रही है, जिसके चलते कंपनी के आगे न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है अगले कुछ साल तक FY22 से 24 तक 10% के आसपास साल दर साल बढ़ेंगे, और मार्जिन जो है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 9.9 से बढ़कर 13.6 के आसपास पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ते हैं, हालांकि मार्केट में उतार चढ़ाव का कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने कवरेज शुरू की थी 930 के टारगेट के साथ, जेपी मॉर्गन ने 840 के टारगेट के साथ कवरेज शुरू किया था, और गोल्डमैन ने न्यूट्रल की सलाह के साथ 700 के साथ टारगेट का शुरुआत की थी। उनके टारगेट्स तो आ भी गए हैं। इन ब्रोकरेज हाउसेस का कहना यह था कि आईपीओ के बाद स्टॉक की काफी गिरावट हो चुकी है, बाजार जो है स्टॉक को दरअसल गलत प्राइस कर रहा है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है उसका कंपनी को फायदा मिलेगा, पेनिट्रेशन का कंपनी को फायदा मिलने वाला है, और नॉन पावर प्रोडक्ट्स की इन्होंने भी जिक्र किया था जिस तरह से कंपनी अब वहां फोकस कर रही है उसका मार्जिन पे फायदा होगा। इनके पीयर्स के मुकाबले कंपनी के जो वैल्यूएशन है करीब 50 से 70% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, और FY22 से 25 तक मुनाफा 10%। इसके अलावा आपको अगर ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो करीब करीब 6 से 7% के आसपास की ग्रोथ भी देखने मिल सकती है। यानी कि दो तीन चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो जब इनका एंकर लॉकिंग खत्म हुआ है उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अच्छे खासे अपडेट्स आ रहे हैं, और जो नॉन पार प्रोडक्ट्स में कंपनी कहीं ना कहीं फोकस कर रही है उसका मार्जिन पे इम्पैक्ट मिलेगा। इसके लिए आपको 700 से 950 के आसपास के टारगेट्स जो है अब ब्रोकरेज हाउसेस इस काउंटर पे दे रहे हैं। और मुझे याद है जब पहली इनिशिएटिंग कवरेज आई थी तभी स्टॉक करीब 650-660 के आसपास ट्रेड करता था, वहां से ऑलरेडी 710 तक स्टॉक पहुंच चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी पर थोड़े से ब्रोकरेज बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। चार्ट पर बंसल जी राय देंगे और फंडामेंटली राय अविनाश जी देंगे। मैंने ऑप्शन दिया नहीं आपको देनी की नहीं देनी है, मैं सीधा राय मांग रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन देने में फिर भरोसा नहीं, सब मना कर देनी, मैं तो चार सीट नहीं देखता, मैंने देखे ही नहीं, मेरा तो कवरेज नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन है नहीं। अविनाश जी बताइए। अनिल, मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस डेफिनेटली वैल्यू है, और मैं समझता हूँ कि देखिए अभी एलआईसी का एजीएम पहली बार होने वाला है तो उसमें काफी ऐसे यू नो न्यूज फ्लोज और कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी। मार्केट काफी समय से वेट कर रहा है कि इनकी एम्बेडेड वैल्यू का क्या आंकड़ा आता है, क्योंकि ये आंकड़ा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस परसिस्टेंसी रेशियो कितना है। तो ये सारे आंकड़े के आने के बाद जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी प्लस जो यू नो कमेंट्स आएंगे मैनेजमेंट के साइड से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरा तो मानना है कि होपफुली इस साल कम से कम प्रीवियस ईयर के मुकाबले में जो डिसबर्समेंट्स रहेंगे प्लस जो पॉलिसीज रहेंगे अगर नॉन पार पे ये फोकस करते हैं तो डेफिनेटली जैसे वरुण ने कहा कि यू नो मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट भी कहता है कि मार्जिन में अनाउंसमेंट जरूर होगा। ऑल ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी टूटा है और इस लेवल से मुझे लगता है कि डाउनसाइड कैप्ड है, एंकर इन्वेस्टर्स का भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो जिनको कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया लेना है
मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसमें एक थोड़ा सा एक्सपोजर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए ये स्लो मूवर जरूर है, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे बड़े मार्केट प्लेयर को भी मार्केट अगर बढ़ता है तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें, और जिनको खरीदना है मेरे ख्याल से कम 12 to 18 months का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे थोड़ा सा निवेश भी कर सकते हैं। बंसल जी चार्ट्स। अनिल जी चार्ट पे देखे तो स्टॉक में गिरावट आई थी, एक पहला एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था 600-678 पर, वो तो पुरानी बात होगी, बट आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग दोनों पे देखने को मिल रहा है, और आज का जो क्रॉसओवर है वो 705 के जो लेवल्स क्रॉस हुए उसके तोड़ने के बाद देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में बाय ऑन डिक्लाइन वाला रुझान बन रहा है, और यहां पर मुझे लगता है 720-722 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और एक बार 722-723 के लेवल्स क्रॉस होंगे तब एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव यहां देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए LIC पर राय बंसल जी की तरफ से भी, दूसरी बार आया है बंसल जी, तीसरी बार कौन से लेवल के ऊपर आएगा ये पहले से बता दे। अनिल जी 722.90 रुपए 722.90 हमने अनिल जी अपने प्रोप्राइटरी इंडिकेटर बना रखा हेज फंड ट्रेंड लाइन, तो वो लेवल जब टूटते हैं तो मोमेंटम देखने को मिलता है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 722.90 रुपए ये है आपके लिए LIC पर आइए।